अरे यार, ड्राई फ्रिजी हेयर इतने हो रहे हैं, इनको सॉफ्ट और स्ट्रेट कैसे करूं? चलो एक हैक ट्राई करते हैं जो एक वीडियो में मैंने देखा था। जा रही थी अपने बालों को सुंदर स्ट्रेट स्मूथ बनाने के लिए प्रेस का इस्तेमाल कर रही थी। बिल्कुल भी मत करना, अपना मुंह जला लोगे, अपने हाथ जला लोगे, बाल तो खराब होंगे ही। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वही यूज करनी चाहिए। बाल स्ट्रेट करने का इतना ही शौक है तो प्रेस आयरन छोड़ के हेयर स्ट्रेटनर ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आजकल जिसे देखो उसे बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बाल ड्राई हो रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो रही है, दुनिया की प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने बालों को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक हेयर केयर रूटीन फॉलो करना होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगी जिसमें आपको ज्यादा ताम झाम नहीं करना, चुटकी बजाते ही आप उन हैक्स को करोगे और अपने बालों को खूबसूरत बना लोगे। अरे रुको रुको, अभी मत जाओ, जाने से पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आप लाइक किए बिना मेरी पूरी वीडियो देख लेते हो फिर लाइक नहीं करते, लाइक भी करो और कमेंट भी करना। तो आओ जल्दी से वीडियो देख लो। हैक नंबर वन है ब्रश वाइसली, यानी कोमिंग करने का सही तरीका, जिससे कि आपके बाल टूटे नहीं, बाल झड़े नहीं, यानी हेयर फॉल ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ऐसे तो बिल्कुल भी कोमिंग नहीं करनी होती है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। कभी कभी तो मन करता है बालों को काट ही लो, इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आसान सा हैक बताती हूँ। आपको लेना है अपना कोम, चौड़े वाला कोम यूज़ करें हमेशा, और उस पर कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डाल लें, फिर अपने बालों को सुलझाना स्टार्ट करें। पहले आपको टिप्स की तरफ से सुलझाना होता है, उसके बाद ऊपर के बालों को सुलझाना होता है। ये हैक बहुत ज़्यादा फायदा देता है, बाल टूटते भी नहीं है, हेयर फॉल नहीं होता और बाल बहुत आसानी से सुलझ भी जाते हैं। अब आते हैं हैक नंबर टू पे, जो है डीप कंडीशनिंग। मींस अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी रहते हैं तो आपको वीक में एक बार हेयर मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। जिन लोगों को DIYs होम रेमेडीज बना के लगाने में बड़ा झंझट लगता है तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगी ये वाला हेयर मास्क। ये है मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क, जो कि इस विंटर मैं भी यूज़ कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी, ये स्पेशली फ्रिजी बालों के लिए है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना है, यानी कि इसमें कोई केमिकल नहीं है जो आपके बालों को ख़राब करे। साथ ही ये पैराबेन और सिलिकॉन फ्री भी है, तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, बॉय या गर्ल। इस हेयर मास्क को आपको सेम वैसे ही लगाना है जैसे आप नॉर्मल हेयर मास्क लगाते हैं। टू पार्ट्स में अपने बालों को डिवाइड करिए, फिर आधे बालों में लगाइए, उसके बाद बचे हुए बालों में भी इसको लगा लीजिए। इस हेयर मास्क में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, इसमें आर्गन ऑयल है, मिल्क प्रोटीन है, अवोगैड्रो ऑयल है, जो कि अगर हम मार्केट में ढूंढने जाएं तो इंग्रेडिएंट ढूंढ के लाने में, हेयर मास्क बनाने में बहुत टाइम जाएगा। तो ये रेडीमेड हेयर मास्क मिल रहा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेक ज़रूर करें। साथ ही ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो इस हेयर मास्क को पूरे बालों में लगाने के बाद आप कम से कम 25 मिनट तक रखिए, फिर नॉर्मल शैम्पू से बालों को धो लीजिए। अगर आपके बाल ड्राई फ्रिजी ज़्यादा हैं तो आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपके बाल ज़्यादा रूखे सूखे बेजान ना हो जाएं। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, जैसा कि आप मुझे देख ही रहे हो, मेरे बाल बहुत ज़्यादा फर्स्ट बार में ही सॉफ्ट स्मूथ बहुत ज़्यादा लग रहे थे और शाइन भी आ गई थी बालों में। तो ये हैक ड्राई और फ्रिजी बालों के लिए बेस्ट है। अब आते हैं नंबर थर्ड हैक पे, जो है गेट ऑयलिंग। मींस आपको वीक में एक बार तो बालों में ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए। ऑयलिंग करने के बाद आपको इस तरह से अपने बालों को उल्टी डायरेक्शन में करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, फिर मसाज करो। इसे बोलते हैं इन्वर्जन मेथड, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और ये सिर्फ आपको 5 मिनट करना है। अगर आप चाहें तो इसको रोज़ सोने से पहले भी कर सकते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ इससे फास्ट हो जाती है। तो ये हैक भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। अब आते हैं फोर नंबर हैक पे, जो है ड्राई इट राइट।
यानी कि शैम्पू करने के बाद बालों को सुखाने का तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इस तरह से तो आपको बिल्कुल भी टॉवल रैप नहीं करना है अपने गीले बालों पे, क्योंकि इससे हमारे बालों की जो रूट होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है अपनी कोई भी पुरानी टी शर्ट, उसको रैप कर लेना है, वो आपके बालों को अच्छे से ड्राई कर देगी। इस तरह से आपके बाल टूटेंगे भी नहीं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो इस तरह अपने बालों को ड्राई करें। तो देखा ना दोस्तों, कितने आसान से हैक्स थे, इनको आप ट्राई करके अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हो। बाल खूबसूरत होंगे तभी हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी लगेगी। तो बालों के लिए बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं उठाना, आसान सी और अच्छी चीज़ें यूज़ करना। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी इसमें से आपको पसंद आ रहा हो, आप हैक अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हो। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। और अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया है, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सको। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।